हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? जुनेद अहमद सर। जुनेद जी, आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से। कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग सीखते हुए? छठा दिन। कितना समय डेली मिलता है आपको? एक घंटा। और लगभग कितने किलोमीटर चला लेते हैं डेली आप? 20 किलोमीटर। ओके, 20 किलोमीटर या एक घंटा। हाँ, तो आप लग सेटिस्फाई है ड्राइविंग से? बहुत अच्छे। जो आपसे पेमेंट लिया गया, जो आपको गाइडेंस दी गई है, तो ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई चीट किया गया या फ्रॉड किया गया या नहीं सर, बताया कुछ और हो, उसने सिखाया कुछ और हो? सेटिस्फाई है आप? हमें पहले दिन से ही बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। तो आपका जो ड्रीम था वो पूरा हुआ? कितने परसेंटेज आप ड्राइविंग सीख गए अभी? 75% सर। और जब आप मेरे पास आए थे तब? 0%। 0%। तो दोस्तों, जुनेद जी की मुस्कुराहट बता रही है कि ये लखनऊ में है और कार का जो इनका ड्रीम था वो लगभग पूरा हो गया। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो चलाते चलाते आ जाएंगी। मैंने इनको गलियों में चलवाया है, सिंगल रोड पे चलवाया है, पेड़ों के बीच में से इट बनवाया है, रिवर्स कराया है, जीरो बनवाया है और डिवाइडर रोड पे चलवाया, यू टर्न कराया, ये सारी चीजें मैंने इनको कराई है। आज मैं इनको लेके आया हूँ थोड़ा सा बड़े रास्ते पे, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फास्ट निकलती। तो हम लोग आ चुके हैं 1090 की तरफ और 1090 से मैं इनको यू टर्न कराऊंगा, क्योंकि जो ये एरिया है, वन साइड 10 किलोमीटर जाना 10 आना। अब ब्रेक पे पैर रख लो और थोड़ा स्पीड कम कर लो, क्योंकि गाड़ी आगे चौराहा आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अभी चलते रहो, स्पीड कम करना था बस, क्योंकि रास्ता क्लियर है सामने। अब थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, बस जाने दो, धीरे धीरे सीधा चलना है हमें। जुनेद जी, मैडम को हॉर्न दो। अपना लेफ्ट ही रखिएगा, ज्यादा राइट मत जाइएगा। जितना जुनेद जी आप लेफ्ट रहेंगे उतना पीछे वाले लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी स्पीड मेंटेन करो। हाँ, जाने दो, गुड। फर्स्ट गियर की जुनेद जी जो स्पीड होती है वो 0 to 10 होती है। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 से 30 होती है। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है, जिसमें आप अभी चल रहे हो थर्ड गियर में, वो होती 30 to 40। अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हो तो आपको फोर्थ गियर डालना पड़ेगा। अगर आप 40 माइनस हो तो आप थर्ड गियर में ही चल सकते हो, ठीक है? थर्ड गियर, फोर्थ और फिफ्थ गियर होता है ओवरटेकिंग के लिए। तो अभी जुनेद जी देखो आ रहा समता मतलब चौराहा है ना, यहाँ पे अच्छा खासा होगा जाम। जाम बोले तो क्योंकि ट्रैफिक बहुत सारा चारों तरफ से आता है ना, गोमती नगर से भी और हजरतगंज से भी, इधर पॉलिटेक्निक चौराहे से भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना, अलर्ट रहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है। हाँ, और चलते रहो धीरे धीरे, स्पीड कम, गाड़ी लेफ्ट ही रखना और लेफ्ट आओ, ज्यादा राइट नहीं जाना। हाँ, बस चलते रहो धीरे धीरे। अब जुनेद जी यहाँ पे क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो चलते चलते। हाँ, वेरी गुड, लेफ्ट आओ हल्का। अब गोल चक्कर को पूरा घुमाना है हमें, अभी लेफ्ट ही रखो गाड़ी अपनी। अब राइट का सिग्नल दो, चलो धीरे धीरे जाने दो, चलो हल्का सा स्पीड लेके निकालो। हाँ, ज्यादा राइट मत जाओ, चलते रहो सीधा सीधा। हाँ, जो स्कॉर्पियो जा रही ब्लैक वाली उसके पीछे लगाओ, जो स्कॉर्पियो जा रही है। हाँ, चलते रहो। हाँ, अब लेफ्ट का सिग्नल दो जुनेद जी, ऊपर को। अब हमें वहाँ चलना जहाँ लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जहाँ पे स्कॉर्पियो जा रही हो। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, ब्रेक पे पैर रखना, यहाँ पे एक्सेलेटर की जरूरत नहीं, और गाड़ी को अपने लेफ्ट दबा के रखो, लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट, गुड। क्योंकि राइट साइड से लोग फास्ट निकलेंगे ना, आप अगर स्लो चलोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपनी वजह से और लोगों को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। हमेशा हम अपना लेफ्ट दबा के रखेंगे, जिसको जाना है वो इजीली चला जाए। अभी लेफ्ट आओ। हाँ, चलते रहो धीरे धीरे, लेफ्ट ही रखना, राइट मत जाना। अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो और अपने राइट और लेफ्ट वाले ओआरबीएम को हर 2-2 सेकंड में चेक किया करिए जुनेद जी, और ये लुकिंग ग्लास भी, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है। अब देखो इधर से वेन्यू आ रही थी, अब स्पीड बढ़ाइए जुनेद जी, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के बीचों बीच में थर्ड गियर डालो, गुड। अब मक्खन जैसा गियर लग रहा है जी सर, क्योंकि आप पूरा क्लच दबा रहे, क्लच का और गियर का मैचिंग हो गया है। पहले क्या करते थे, जब क्लच दबा रहे होते तो गियर नहीं खींच रहे थे, जब गियर खींच रहे थे तो क्लच नहीं दब रहा था। अब हल्का सा राइट रखना, क्योंकि सीधा चलना है हमें।
पीछे कार है आपकी, सीधा हल्का राइट दबाओ, राइट अपना माई डियर, कंफ्यूज मत हो, सीधा चलना है। हाँ हल्का और राइट दबाओ क्योंकि सामने स्पीड ब्रेकर है। हाँ चलते रहो धीरे धीरे, हॉर्न दीजिए और चलो, जाने दो, लेफ्ट आओ। हाँ बस चलो 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 चलो, अपनी लाइन में आ जाओ जुनेद जी, आप रॉन्ग साइड जा रहे हो। यस अभी बढ़ाओ स्पीड, स्पीड मेंटेन करो, गुड, जाने दो धीरे धीरे। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर पार्क का बैक साइड है ये, और अभी जा रहे हैं लोग अपना जनेश्वर पार्क की तरफ, वहां से हम यू टर्न करा के लेके आएंगे जुनेद जी को। और ये बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। कल जुनेद जी आपकी जो क्लास रहेगी वो नाइट की रहेगी, नाइट की, तो कल आप आ जाइएगा 6:30 क्योंकि ठीक है 7 घंटे की क्लास थी, तो अब डे हो गया है, तो 1 घंटा नाइट में चला लेंगे तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रात में हेडलाइट ऑन करना, ऑफ करना, अपर डिपर, हाई बीम, लो बीम, रात में सामने से गाड़ियां जो आती है उनकी लाइट पड़ती तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ठीक है तो आप 6:30 तक कल आ जाइएगा। बाकी जिस हिसाब से आपके डेज हुए, जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग करी थी, उस हिसाब से बहुत अच्छा सीखा है। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही टर्न करना चाहिए। अभी स्पीड बढ़ा लो, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था तो आपने क्या करा, राइट वाला पैर कहाँ रखा था, ब्रेक पे, ताकि गलती से कहीं एक्सीलेटर ना दब जाए, है ना। और अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को जरूर चेक किया करिए क्योंकि सारा खेल जो है वो लेफ्ट का ही है, समझ गए। हल्का राइट रखो, चलने दो धीरे धीरे, राइट, हाँ लेफ्ट आओ, बढ़ा लो स्पीड। अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, अब धीरे धीरे कार को अपनी लेफ्ट वाली लाइन में लेके आओ, अपने मिरर को देख के, बिना देखे नहीं लाते, और स्पीड कम करो। हाँ लहराओ मत, हाँ अब क्लच दबा के गियर सेकंड करो, हो गया सेकंड, छोड़ो क्लच और लेफ्ट आओ। ये फोर्थ गियर डाल दिया आपने, फोर्थ गियर है, अब लगा है और लेफ्ट आओ, ब्रेक पे पैर ले आओ। अब राइट का इंडिकेटर दो और गाड़ी लेफ्ट लेके आओ, थोड़ा राइट का इंडिकेटर दे दिया। हाँ अब अपने राइट वाले मिरर को चेक करना, जब मैं बोलूंगा तब घुमाना है, और लेफ्ट आओ, पहले लेफ्ट लेके आओ। हाँ अब राइट वाला शीशा चेक करते रहो, जब ये गाड़ी निकल जाएगी तो अभी आपको पूरे घुमा देना, पूरी फुल घुमा दो, फटाफट जाओ, फट पूरी घुमाओ भाई, हल्का एक्सीलेटर लो। हाँ अब देखो सीधी करो, अभी पता है आपके साथ क्या होता है, आप एक्सीलेटर ढूंढने लगते हो कि एक्सीलेटर कहाँ है, और उतने में अभी एक्सीलेटर दबाने के चक्कर में पैर आपका पता है कहाँ चला गया था, अपोजिट साइड। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना, इनको समझना बहुत जरूरी, इस लाइन के अंदर रहो, व्हाइट लाइन जो है इसके अंदर रहो। चलते रहो, अभी कुछ नहीं करना, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। ब्रेक पे पैर रखो, चलने दो धीरे धीरे। हाँ स्पीड बढ़ाओ। हाँ आप जब इस मिरर को क्यों नहीं चेक करते हैं, जब आप गाड़ी लेफ्ट या राइट दबाते हैं तो मिरर क्यों नहीं चेक करते हैं, मिरर भी तो चेक करना जरूरी होता है भाई। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।